वेल दोस्तों, ये 100 रुपीज का नोट है, क्या आप जानते हैं आप रोज इसी 100 रुपीज को इन्वेस्ट करके 4.5 करोड़ रुपीज कमा सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। ये सब पॉसिबल होता है कंपाउंडिंग की वजह से। इसीलिए दुनिया का महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप रोज 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 4.5 करोड़ रुपीज कमा सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसे बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस कर सकते हैं, जिस वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक SIP कैलकुलेटर को ओपन किया है। आप भी गूगल से रैंडम किसी भी SIP कैलकुलेटर को ओपन करके सेम चीज चेक कर सकते हैं। हम डेली 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, यानी मंथली 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो है 15%। ये 15% इंटरेस्ट हमें कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। 15% इंटरेस्ट तो मिनिमम है। एक ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके लोग 20-25% तक का इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसे हमने 35 ईयर्स रखा है। इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। लेकिन इतना ज़्यादा पैसा बनने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन 35 ईयर्स में हमने सिर्फ 12,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होकर 4,45,81,935 रुपीज़ हो गया है ना मज़ेदार। दोस्तों, इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। सपोज मान लेते हैं किसी रीज़न की वजह से हमें 15% का रिटर्न ना मिलकर 12% का रिटर्न मिला, तब भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होकर 1,94,85,807 रुपीज़ हो जाएगा। अगर सिर्फ 10% का रिटर्न भी मिलता है तब भी आपका इन्वेस्टमेंट 1,14,84,830 रुपीज़ हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं आपका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है, आप कहेंगे कि मैं मंथली तो 5,000 रुपीज़ ईजिली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने मंथली सिर्फ 2,000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एंड आपका इन्वेस्टमेंट 7,43,03,225 रुपीज़ हो गया है। ऐसे ही आपका जितना भी इनकम है आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ये 15% का रिटर्न हमें कहाँ से और कैसे मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 3 बेस्ट तरीके बताऊँगा, सबके मेरिट एंड डीमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, YouTube के एल्गोरिदम लाइक्स के आधार पर वीडियो को अंडररेटेड या फिर आगे रिकमेंड करती है, इसीलिए आप सब इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, इसके लिए आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इंडेक्स फंड के बारे में तो पता होगा, फिर भी कुछ न्यू व्यूअर्स होते हैं इसीलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से NSE के टॉप 50 कंपनीज को लेकर नेशनल 50 बना है, जिसे निफ्टी इंडेक्स कहा जाता है। वैसे ही BSE के टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर सेंसिटिव इंडेक्स बना है, जिसे सेंसेक्स भी कहा जाता है। इंडेक्स में ये जो कंपनीज होते हैं, अगर इन कंपनी में से कोई कंपनी अगर खराब परफॉर्म करती है तो उस कंपनी को इंडेक्स फंड से निकाल दिया जाता है। इसीलिए शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर किया जाता है। एंड लास्ट 30 साल से ये दोनों इंडेक्स ने ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न भी देते आ रहे हैं। लेकिन इंडेक्स फंड के एक डीमेरिट ये है कि आप इन इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर ETF के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF में आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आपको ETF के बारे में डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर चेक करें। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 15% रिटर्न्स के लिए आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने टाइम स्पेंड करके आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जैसे पहले पॉइंट में आपको बताया, आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस ये है कि आपको शेयर्स मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जो सब कुछ खुद मैनेज करते हैं। लेकिन डीमेरिट ये है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनीज हाई फीस चार्ज करते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड के लिए कंपनीज 1.5-2.5% चार्जेस लेते हैं एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड यानी पैसिव म्यूचुअल फंड के लिए 0.7-1.2% चार्जेस लेते हैं। इनिशियल स्टेज में हमें ये 1-2% बहुत ही कम लगती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से सोचें तो ये 1-2% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं सबसे लास्ट तरीके के बारे में, जिसे खुद मैं भी फॉलो करता हूँ।
ये थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहती है कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलता है। तो आप शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उसमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 12 से 15 स्टॉक्स चूज करें जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो, शेयर्स डूबने के चांसेस ना के बराबर हो। चाहे तो आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो आप उनके वीडियोस को भी देख के स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 पैसे 1 रुपीस में आने वाले पेनी स्टॉक्स में अपना सारा पैसा लगा दिया। आपको अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ढूंढना होगा। सारे स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाइए, हर महीने सीरियल वाइज एक एक स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको डेफिनेटली 20-25% तक का रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन इसके डीमेरिट्स ये है कि आपको रेगुलर मार्केट को मॉनिटर करना होगा, शेयर की प्राइस, कंपनी न्यूज़, हर एक चीज़ के साथ आपको अपडेटेड रहना होगा। लास्ट, अगर आपने सही स्टॉक्स पिक नहीं किया है तो आपका कैपिटल यानी पैसा भी लॉस हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है कि शेयर्स की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है तो उसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। दोस्तों, ये सब में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। बिना डीमैट अकाउंट के आप ये सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में ऑपस्टॉक एंड एंजल वन का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी फ्री डीमैट अकाउंट अभी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।